गिल के एक बड़े अफसर के घर पर रेड। कल देर रात सीबीआई ने कार्रवाई शुरू की। गिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के घर पर यह छापा मारा जा रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत के बाद ये छापा मारा गया। सूत्रों के हवाले से फिलहाल जानकारी यहां पर मिल पा रही है। तो बैंक अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं। गिल के अफसर के घर रात सीबीआई भी मौजूद है। कल देर रात सीबीआई ने ये कार्रवाई शुरू की है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। गिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के घर पर छापा। भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत के बाद ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। तो बैंक अकाउंट्स भी खंगाले जा रहे हैं। अब देखिए सीबीआई का छापा यहाँ पर पड़ा है तो किस तरीके से हालात भी होंगे ये जग जाहिर है। साथ ही आपको ये भी बता दें बैंक अकाउंट्स यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें हम जिस तरीके से लगातार बीते कुछ दिनों से सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, जांच एजेंसियों की बात करें तो लगातार ये जो छापेमार कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं एक संदेश देने के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बिल्कुल। और भ्रष्टाचार के मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें क्योंकि कल रात छापा मारा गया है तो ऐसे में सीबीआई की पूरी टीम फिलहाल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के घर पर ही मौजूद है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अमित आपसे जानना चाहूंगी, बताया जा रहा है कि शिकायत के बाद ये रेड मारी गई है। बिल्कुल, देखिए जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके मुताबिक गेल इंडिया के कुछ टेंडर दिए जाने थे और उन टेंडर में अनियमितता बरती गई जिसमें इन अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। सीबीआई ने पहले गुप्त रूप से इस पूरे मामले की जांच की और उसके बाद में ये छापेमारी की। छापेमारी करीब 70 घंटे के आसपास का वक्त हो गया, अभी भी छापेमारी जारी है और उनके घर में मौजूद कंप्यूटर, हार्ड डिस्क या भी फाइनेंस से जुड़े दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। इनके घर से कैश का कितना ट्रांजेक्शन हुआ उसको लेकर बैंक खातों की डिटेल ली जा रही है। और ये जो सीबीआई की पूछताछ है ये भी अभी लंबी चल सकती है क्योंकि पिछले 70 घंटे से लगातार पूछताछ की जा रही है और इनके साथ साथ अब अन्य ठिकानों पर जो इनके साथ में काम करने वाले लोग हैं, टेंडरों को देने का काम किया करते थे, उनके यहाँ भी आने वाले दिनों में सीबीआई की छापेमारी देखी जा सकती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।